क्योंकि तो वो होगा केमिकल जो भी होता होगा लवण उसको जो बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो आदमी कोई पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कोई सवाल करेगा तो वो सिनिकल हो जाता है या निगेटिव हो जाता है। तो वो एक तरह से आपको और मार्जिनलाइज करने के लिए कि आप कुछ मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, इसलिए आप नेगेटिव हैं, आपको थोड़ा सा कर्म योगा करना चाहिए जिससे आप पॉजिटिव हो जाएं और उससे आपके डेवलपमेंट का सवाल हल हो जाता। तो नहीं है। और उसमें पॉलिटिक्स में भी एक क्राइसिस है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस ना आए ताकि वो हर घर में शौचालय बना दे, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी चली जाए ताकि उसके बचे हुए खंभे पर ये LED लगा दे। इसके अलावा क्या है? कोई मॉडल है क्या? कांग्रेस ने कोई अलग मॉडल अब सोचा है विपक्ष में आने के बाद? कोई क्रिटिकल एनालिसिस है कि हमने 10 साल किया, लगता है कि हमारा वो मॉडल फेल किया है और इस पर अगर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करें तो आपका क्या कोई नया मॉडल है? नहीं है। आप ये इंतजार करें ये हट जाए तो हम आगे वही वाला काम करें। अब वो चाहते हैं कि जब तुमको यही काम करना तो मैं ही खुद कर देता हूँ, इसमें क्या, जब काम ही एक है और चार लोग उसमें लगे हुए हैं। यही थोड़ा थोड़ा अंतर करके आप स्टेट में भी देखिएगा कि एक क्राइसिस आ रहा है कि किसी के पास आइडिया नहीं है। मतलब इतना बोरियत समय हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और इन बोरियत समय के लिए एकदम एप्ट ये सब एंकर सब कर रहे हैं, जाके ट्रांस में चले जाते हैं चैनल पे 2 घंटा तक भाई भाई वो सवाल आता रहता, आपको लगता है कि अवेयरनेस हो रहा है इसमें पूरा और अकाउंटेबिलिटी आ रही है। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इन्हीं दौर में घटी है। एकाध तो तब भी हो जाता था, हम भी कोई स्टोरी चला देते थे जब इस तरह का डिबेट नहीं होता था, तो PMO से कोई फंड आ जाता था, एम्स वाला किसी गरीब का इलाज कर देता था, वो उतना ही अब भी होता है। लार्जर अकाउंटेबिलिटी क्या किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है उसमें कहीं आया है? नहीं आया। इसलिए क्योंकि सारे फैक्ट्स हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ परसेप्शन से बनाया गया है, जो ओपिनियन एक प्रोडक्ट के रूप में दिया जा रहा है। रियलिटी से जिस TV को आप देखना चाह रहे थे कि हम ठीक है इस हॉल को दिखाएंगे, उसको गायब किया गया है। एक ही इंजन है और उसको उसमें सब अपना अपना अलग अलग बॉडी लगा देते हैं। पहले सीडान ले आया जो छिपकली जैसी दिखती है, आजकल वो SUV आ गए, तो कई SUV तो मुझे बेंग की तरह दिखता है, मेढक की तरह, अगर उछलने से पहले बैठा रहता है। उसी तरह से कई गाड़ियां आई हैं, तो ये एक तरह से एक ही इंजन है। लोगों से पूछते हैं इसका क्या है दोनों में अंतर, दोनों का सेम इंजन है। तो इंजन है तो ढांचा बना के, यही कांग्रेस BJP वाला है। अगर वो मॉडल वो एक ही है, इसका एक SUV मॉडल है, उनका एक मॉडल है, तो कोई इनके पास ये नहीं है। हम दोनों कहते हैं कि हम अंतिम आदमी की सेवा में लगा रहना चाहते हैं। आप उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप सेवा करिए, करते ही होंगे, लेकिन क्या कोई आपका कोई अलग मॉडल है? नहीं है। इसी में जो चल रहा है उसी में कोई ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये देखना चाहिए हम लोगों को। जिस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी के तरह तरह के माध्यम विकसित हुए हैं उसी दौर में ये संकट है कि अभिव्यक्तियों पर कितना हमला हो रहा है। उसी दौर में आप जो एक्सप्रेशन है उसकी डाइवर्सिटी देखिए कितनी कम होती चली जा रही है, कितना हमला है उसके ऊपर में। वक्ता से पूछिए, हर कोई बोलने वाला खोज रहा है। तो मुझे लगता है कि जब इतना सारा मीडियम आ गया तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों बोल रहा है? वो सोचता है कि आपके बदले मैं बोल दूँ, मेरे बदले कोई और बोल दे। वक्ता जो मेन वक्ता उससे पूछता है तो प्रवक्ता भेज देता है कि यही बोलेगा, और वो सब विषय पर इतना बोले जाता है कि बोलते बोलते उसको समझ में नहीं आता है।